नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं महाभारत की रचना के बारे में। महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने महाभारत का सृजन किस प्रकार किया, इसका आख्यान साहित्य में मिलता है। जब महाभारत की आख्यान व्यास के मानस पटल पर अंकित हो गया, तब उन्हें भी महर्षि वाल्मीकि की भांति चिंता हुई कि इसे विश्व के सम्मुख कैसे प्रस्तुत करें। वाल्मीकि ने रामायण कंठस्थ कराया तो व्यास ने लिपिबद्ध। ब्रह्मा की प्रेरणा से ही वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वेद व्यास ने महाभारत को श्री गणेश जी द्वारा लिपिबद्ध कराया। व्यास ने शिवपुत्र गणेश का ध्यान किया और वे तत्काल वहां उपस्थित हो गए तथा महर्षि ने उनकी विधिवत पूजा करके अपना मंतव्य उन पर प्रकट किया। गणेश जी ने ग्रंथ लिपिबद्ध करने की एक शर्त रखी कि जब वह लेखन प्रारंभ करें तब उनकी लेखनी क्षण मात्र भी रुके नहीं, अन्यथा वह लेखन कार्य बंद कर देंगे। इस पर व्यास ने उनकी शर्त स्वीकार करते हुए प्रतिशर्त रखी कि जब वह व्यास द्वारा उच्चारित श्लोक का गूढ़ार्थ विधिवत भली भांति जान लें तभी उसे लिपिबद्ध करें। निश्चित रूप से व्यास ने श्लोक को गंभीर तथा गूढ़ बना दिया ताकि जब तक श्री गणेश उसे लिपिबद्ध करें तब तक व्यास दूसरे श्लोक की रचना कर डाले। इस प्रकार इस महाकाव्य का लिप्यांकन प्रारंभ हुआ और गणेश जी अत्यंत तीव्र गति से लिखने लगे। इधर व्यास श्लोकों में गंभीरता एवं क्लिष्टता संयोजित कर देते, अतः गणेश जी को भावार्थ समझने के लिए अपनी लेखनी को स्वमेव विराम देना पड़ता। महाभारत का लिप्यांकन जब समाप्त हुआ तब व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र शुकदेव जी एवं अन्य शिष्यों को कंठस्थ कराया। कहते हैं कि देवों को महाभारत की कथा देवर्षि नारद ने सुनाई और शुक मुनि ने गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों में इसे प्रसारित किया। मानव जाति में इस कथा का प्रसार व्यास के प्रमुख शिष्य महर्षि वैशंपायन द्वारा हुआ। वैशंपायन से यह कथा पौराणिक सूत जी को परीक्षित पुत्र जन्मेजय के नाग यज्ञ के दौरान सूत ने महर्षि शौनक की अध्यक्षता में ऋषियों की सभा में सुनाई। इस प्रकार महाभारत नामक महाग्रंथ की रचना एवं लिप्यांकन संपन्न हुआ तथा यह कथा विश्व में प्रसारित हुई। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।